देखिए 100% जल रहा है, कोई सा भी रिमोट। अब हम आपको एक एम्पलीफायर का रिमोट है इसको भी चलाकर दिखाते हैं, देख सकते हैं। देखिए जल गया, ऑफ हो गया। आज मैं दोस्तों देख सकते हो इसको मैं रिमोट कंट्रोल बनाऊंगा, देख सकते हैं 4017 IC CD4017। दोस्तों देख सकते हैं एक यहाँ पे है, इसमें 16 पिन होता है दोस्तों, एक तरफ 8 पिन होता है, एक तरफ 16 पिन, और यहाँ पे कट का निशान देख रहे हैं, इधर से चालू होता है 1 से 8 और 9, 10 से 16 तक, यहाँ 16 तक होता है, इधर से चालू होगा और यहाँ पे अंत होता है, देख सकते हैं यही पिन है दोस्तों। तो इसी पिन को मैं आज ये जो CD4017 जो IC आपको दिखाई दे रहा है, इसी पिन से मैं आपको रिमोट कंट्रोलर बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या कंपोनेंट लगेगा दोस्तों, जो कि आपको रिमोट कंट्रोल बनाने में। तो एक CD4017 IC लगेगा, उसके बाद एक PF लगेगा, 104 का PF देख सकते हैं यहाँ पे, 104 का PF, तो यहाँ पे 104 का PF रख दिए। दूसरा है देख सकते हैं, दूसरा है ट्रैक दोस्तों, इसका BT 136 दोस्तों, क्योंकि ये रिले के जगह पे मैं इसको यूज करूँगा, देख सकते हैं ये रिले को हटा दो और उसके जगह पे ये ट्रैक को यूज करो, BT 136 है देख सकते हैं, BT 136। इसको मार्केट से आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं वो रेगुलेटर होता है ना, फैन वाला रेगुलेटर उसमें रहता है ये वाला, ये बहुत ही आसानी से उसमें मिल जाएगा BT 136। ये हो गया, उसके बाद एक ये चाहिए देख सकते हैं BC 547, देख सकते हैं BC 557 या 47, जो भी आप को मिल जाएगा, ये BC 547, BC 548, BC 557, ये सब काम करेगा। तो ये एक चाहिए, उसके बाद एक 100K का रेजिस्टेंस चाहिए, देख सकते हैं 100K का रेजिस्टेंस, उसके बाद एक IR सेंसर देख सकते हैं। इतना ही चीज से आपको बनाना आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं, देख सकते हैं इधर से चौथे पिन 1, 2, 3, 4, चौथे पिन से 15 पिन पे इसको जम्फर कर दीजिएगा, उसके बाद 8 पिन से यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 पिन और 13 पिन को जम्फर करना है, 8 पिन और 13 पिन को जम्फर करना है, और यहाँ पे 4 पिन और 14 पिन को जम्फर कर दे, 15 पिन को जम्फर करना है, सॉरी दोस्तों 15 पिन का जम्फर करना है। तो इतना कर देंगे, और यहाँ पे कट लगा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे कट, तो इधर से 1 नंबर है। तो चलिए फटाफट से आपको बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे हो गया, पहले हम 1K रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो कहाँ पे लगाना है, बिचले 14 और 16 नंबर पे लगाना है इसको। चलिए आपको बनाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, देख सकते हैं पिन नंबर 16 और बीच में छोड़ दिया है, और उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 14 पे जम्फर करके ऐसा लगा दिया है रेजिस्टेंस को, और PF को लगा दिया है पिन नंबर 13 पे और 14 पे PF को लगा दिया, देख सकते हैं ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये कटा हुआ है, इधर से गिनिएगा मतलब गिनती करिएगा, हो गया ये तो हो गया। अब चलिए आपको आगे करके दिखाते हैं, ये तो हो गया, अब हमको लगाना है ये जो BC 547 है इसको लगाना है, 557 है दोस्तों, BC 557 या BC 547 भी लगा सकते हो, ये दोनों एक ही काम करता है। तो इसको हम लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये हो गया, इसको हम लगाते हैं। तो कैसे लगाना है, ये पिन नंबर 2 नंबर पे लगाना है जो आपको दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पे इसको लगाना है। तो चलिए फटाफट से देखिए दोस्तों, 2 नंबर पे लगा दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर पे लग गया है। देख सकते हैं मैंने इसको उलीट कर लगाया है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट मारकर भी जोड़ सकते हैं। अब इस पिन को, ये पिन को इसमें हमको जम्फर करना है, तो चलिए इसको भी हम जम्फर कर देते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम वीडियो को पॉज कर करके आपको बता रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको जम्फर कर दिया है यहाँ पे। अब ट्रैक देख सकते हैं, ट्रैक को लगाना है, तो इसको हमको ऐसे कर देना है और ऐसे ट्रैक को लगाना है, तो ट्रैक वाला इसमें लगेगा एक, देख सकते हैं ऐसा लगेगा, ऐसा लगाना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी हम लगा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा बन गया है, स्क्रीनशॉट लेकर और बना सकते हो, देख सकते हो। पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ। अब आता है हमारा आयर सेंसर की। तो दोस्तों इसमें तो आपको मालूम होगा, ऐसे पकड़ लेने पे ये VCC के लिए होता है 3 वोल्ट, और ये ग्राउंड होता है, और ये IR के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 वायर हैं, देख सकते हो। तो ये कहाँ पे सोल्ड होगा चलिए आपको बताते हैं। ये सोल्ड होगा देख सकते हो, फर्स्ट वाला बैगनी कलर का है 3 वोल्ट के लिए। तो 3 वोल्ट हमारा जो है ये है, ये रेजिस्टेंस का, ये फर्स्ट वाला आपको नज़र आ रहा है कहाँ, क्या ऐसे पकड़ने पे ये वाला, इस पे हमारा 3 वोल्ट चाहिए। 3 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, हो गया। और पिछला हमारा ग्राउंड है दोस्तों, ये पिछला हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये वाला है देख सकते हैं, ये 8वां पिन, ये PF का जो 13 नंबर पिन है, इस पे हम इसको यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं, हो गया। और ये जो है इसको हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इसको हम, ये जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पिन पे है, इस पे इसको सोल्ड करना है। तो हम इसको सोल्ड कर देते हैं। ये हमारा जो सर्किट है ये बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, इतने ही सर्किट से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए आपको जलाकर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये होल्डर है, ऐसा रहता है होल्डर, देख सकते हैं। तो मैं एक को कट कर दूंगा बीच से, बीच से कट करने के बाद एक को ग्राउंड में लगा देना है, देख सकते हैं। पहले एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक चलता है। तो ये ग्राउंड दोस्तों, ये एडाप्टर है, ये ग्राउंड में हम इसको लगा देते हैं,
सोल्ड हो गया, और एक को यहाँ पे प्लस पे। इस सर्किट को चालू करने के लिए दोस्तों इसमें देना पड़ेगा, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हैं यही पिन है ये वाला, तो इसको हम एक को ये ग्राउंड पे लगा देंगे, अरे यार सोल्ड हो जा जल्दी से। हो गया सोल्ड, देख सकते हैं एक ग्राउंड हो गया, और एक ट्रैक जो होता है ये वाला ट्रैक, इसमें ये बिचला जो पॉइंट है इसमें इसको लगा देंगे। देखिए ये चेंज हो गया, और कोई सा भी रिमोट आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको यूज कर दूंगा। और चलिए आपको थोड़ा ट्राइपॉड को दूरी बना देता हूँ और आपको लाइफ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ पे लगा दिया बोर्ड में, देख सकते हो, और यहाँ इसको लगा देना है। और दोस्तों ये हो गया है, अब देखिए कोई सा भी रिमोट टिपेंगे तो ये जल गया, फिर ऑफ हो गया, फिर जल गया, देख सकते हैं जल रहा है ना, देखिए 100% जल रहा है कोई सा भी रिमोट। अब हम आपको एक एम्पलीफायर का रिमोट है इसको भी चलाकर दिखाते हैं, देख सकते हैं, देखिए जल गया, ऑफ हो गया, जल गया, ऑफ हो गया। कोई सा भी रिमोट आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे ही करके आपको बनाना है दोस्तों घर पे बहुत ही आसानी से। दोस्तों फिर से हम आपको सर्किट दिखा देता हूँ लाइफ प्रूफ के साथ, ताकि आपको परेशानी ना हो कनेक्शन करने में। देखिए दोस्तों ये जो वायर है ये रेड और वाइट, ये दोस्तों एडाप्टर का वायर है 5 वोल्ट, और ये जो वायर है ये इसको सिरिंज किया है मैंने, ये डायरेक्ट एसी 220 वोल्ट से आ रहा है, और ये जो वायर है ये आईआर सेंसर का वायर है, देख सकते हैं आईआर सेंसर का वायर है। तो ऐसे ही तो बनाना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।